भीकनगांव नगर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पोखरा बाद रोड पर नगर परिषद द्वारा पेयजल पाइपलाइन विगत 15 दिनों से फूटी पड़ी है। नगर परिषद की लापरवाही का आलम यह है कि उक्त जगह से अभी तक लाखों रुपए का पानी बह चुका है, परंतु नगर परिषद के अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी मौन नजर आ रहे हैं। फूटी हुई पाइपलाइन में प्रतिदिन वहां के बच्चे और मवेशी पानी में नहा रहे हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो रहा है और नालों से लगी पाइपलाइन में गंदा पानी जाने से बीमारी का संकेत लग रहा है। वहीं पानी शहर के रहवासियों को दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में शहर के रहवासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब नगर परिषद सीएमओ से बात करनी चाहिए तो बातों को गोलमोल कर रहे हैं। यही आलम नगर का भी है कि एक बार जहां की पाइपलाइन फूटती है तो नगर परिषद के कर्मचारी 8 से 10 दिनों तक उक्त पाइपलाइन को जोड़ने तक नहीं आते। भीकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। ये पोखराबाद में पाइपलाइन फूटी है, इसका क्या है? संज्ञान में आया मेरे भी, एक्चुअल में वहाँ जो पशुपालक हैं उन्होंने जानवरों के लिए पानी पीने के लिए उसमें टाइटन पाइपलाइन में छेद कर दिया है, जिससे वहाँ लीकेज हो रहा है और उसको सुधारने के पहले भी 8-10 दिन पहले ही प्रयास किए गए थे, पर चूंकि निकाय के पास मैकेनिकल जॉइंट होता है उसमें, वो जॉइंट नहीं होने से इंदौर से मंगवाया गया है और शीघ्र ही जो है उसको दुरुस्त करवा लिया जाएगा। भीकनगांव नगर में भी कुछ जगह पर पाइपलाइन फूटी है, उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है कर्मचारियों को बोलने के बावजूद। पाइपलाइन तो फूटती रहती है, क्योंकि क्या है कि वो जो भी जब भी फूटती है तो उसको सुधारा जाता है, ऐसा नहीं है कि उसको सुधारा नहीं जाता। पाइपलाइन किसी कारण से फूटती रहती है और हमारे वाल भी लीकेज होते हैं, तो उनको भी समय समय पर उनकी राड़ों को दुरुस्त करके उनको लीकेज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल livenews। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।